bet you never know. Say we have the power, but this thing we touch the road. Tell them say we ready, clip them and the cut she load. She don't know say we no regular, anything we ready for. Bet you never know, bet you never know. तो हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब लोग। होप करता हूँ कि आप बढ़िया और अच्छे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटे को भी ज़रूर दबाएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें गाइस। और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें क्योंकि हम उधर भी ड्राइविंग रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलो सुबह को शुरू करते हैं। तो आज हम एक नया गेम का रिव्यू करने वाले हैं और इस गेम का नाम है हैवी मशीनरी एंड माइनिंग सिमुलेटर। और इस गेम को वेपिरॉन गेम्स ये बनाया है और ये 25 और 27 मई 2021 को रिलीज़ हुआ था। और इसका लेटेस्ट वर्जन आपको 31 मई को मिला था, मतलब प्ले स्टोर में मिला था इसका लेटेस्ट वर्जन। 4 दिनों के अंदर ही इन्होंने लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया जो कि बढ़िया बात है गाइस। और अभी फ़िलहाल इस गेम को 5000 लोगों ने डाउनलोड किया है और टोटल 200 रेटिंग्स आ चुकी है शायद। और इसका साइज़ है 8 MB और आपको 8 MB में बहुत कुछ देखने को मिलता है गाइस इस गेम में। जैसे कि इसका टेक्सचरिंग एकदम बढ़िया है गाइस, आपको एक HD वाला ग्राफिक सिस्टम देखने को मिलता है क्योंकि इसका टेक्सचरिंग बहुत ही बढ़िया है गाइस। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। आप इधर इस टक पर भी देख सकते हो, स्टिपर पर भी बहुत ही बढ़िया टेक्सचरिंग किया है और ग्रास और बार के एक्सटीरियर का भी डिटेलिंग बहुत ही बढ़िया है और व्हीकल का भी बढ़िया है गाइस। लेकिन आपको इसमें थोड़ा कम ट्रैफिक देखने को मिलता है जो कि एक डाउनसाइड है। और आपको रोड के लाइन पर भी आपको कुछ स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है जो कि आप इग्नोर कर सकते हो। और इसका कंट्रोल अच्छा है गाइस, लेकिन बस इतने जितना अच्छा नहीं है, लेकिन आप इसे कंट्रोल कर पाओगे। और आप इधर मल्टी इफेक्ट देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया इसका मल्टी इफेक्ट है। और आपको इस गेम में ऑफ रोडिंग का भी फीलिंग आएगा और इसमें आपको बहुत सारे रियलिस्टिक फीचर्स भी देखने को मिलता है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसका टेल लाइट और हेड लाइट काम करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं है उसे ऑन करने के लिए। और इसमें आपको कोई भी इंडिकेशन का भी ऑप्शन नहीं है। होप करेंगे कि फ्यूचर में आपको इन ऑप्शन का भी सपोर्ट देखने को मिले इस गेम में। और इस गेम में आपको तरह तरह के व्हीकल्स देखने को मिलेगा, सभी हैवी मशीनरी से गाइस। तो आप इधर देख सकते हो, आपको एक जेसीबी के टाइप का कुछ देखने को मिलता है इधर, ये भी बढ़िया है गाइस। आप इधर देख सकते हो, इनिशियल स्टेज में आपको थोड़ा कंट्रोल में दिक्कत आ सकती है, खास करके जेसीबी का, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है गाइस। लेकिन जब आप इसे खेलते रहोगे तब आपको आसान लगेगा। अभी फ़िलहाल इसका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है, आपको लॉन्ग रूट देखने को मिलता है और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी देखने को मिलता है। तो आप इधर देख सकते हो, डम करने का भी ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं उसे ऊपर ड्रैग करूँगा तब सारा लोड बाहर निकलता है। और इधर इसका इफेक्ट भी देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त इसका इफेक्ट है। और जब भी आप कुछ गलत करोगे तो आपको एजाइट लाइट पर कुछ इंडिकेशन देखने को मिलता है जो कि अच्छी बात है गाइस। और इसमें एक और फीचर है, अगर आप किसी जगह पर फंस जाते हो तो आप उधर रोटेटिंग वाला ऑप्शन को प्रेस करके उस जगह से बाहर निकल सकते हो जो कि अच्छी बात है गाइस, अच्छी बात है। तो आप इसे गेम को सेव भी कर सकते हो और इसका ऑफ रोडिंग इफेक्ट बहुत ही बढ़िया है और इसका टेक्सचरिंग तो एक नंबर का है और 8 MB में बहुत ही बढ़िया गेम है। और इसका कैमरा एंगल गाइस, आपको टोटल 3 कैमरा एंगल देखने को मिलता है। तो पहला तो 360 डिग्री और दूसरा मामूली और तीसरा वाला है कि सिनेमेटिक शॉट, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग सिनेमेटिक शॉट है गाइस जो कि अच्छा है, लेकिन आपको बसीत की तरह सिनेमेटिक शॉट देखने को नहीं मिलता। इस गेम का सिनेमेटिक शॉट थोड़ा डिफरेंट है, आपको एक बड़ा सिनेमेटिक शॉट देखने को मिलता है एंड तक। और आप इधर इफेक्ट देख सकते हो, आपको पोल्यूशन इफेक्ट भी देखने को मिलता है और साथ साथ स्मोक इफेक्ट और बहुत सारे इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है जो कि अच्छी बात है गाइस। और इसका साउंड तो अच्छा है, उतना बढ़िया नहीं है लेकिन मज़ेदार है गाइस, आपको
बढ़िया सा साउंड देखने को मिलता है। तो ATM भी में बहुत ही बढ़िया गेम है, खास करके इसका टेक्सचरिंग है, एक नंबर का टेक्सचरिंग। और होप करेंगे कि फ्यूचर में इस गेम में हमें और भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। और आपको इसमें कोई भी मतलब कोई भी ड्राइवर या कुछ देखने को नहीं मिलता, वर्कर्स या ड्राइवर देखने को नहीं मिलता। तो ये अभी फ़िलहाल लॉन्च किया है, शायद हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है इस गेम में। और आप इधर रोड भी देख सकते हो, आपको बहुत ही ज़बरदस्त हाईवे देखने को मिलता है, इसका डिटेलिंग अच्छा है। लेकिन आपको ज़्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा इस गेम में, क्योंकि अभी अभी लॉन्च किया गया था और लॉन्च किया करते कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो आपको वेट करना है, तो वेट करने के बाद आपको इसमें और भी नए नए अपडेट देखने को मिलेगा। और चलाने में तो अच्छा है, और इसका कंट्रोल भी बढ़िया है, आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता। और आप इस गेम को लो एंड डिवाइसेस पर भी खेल सकते हो, और इसमें आपको हाई सेटिंग लो सेटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, आप चाहो तो हाई सेटिंग पर भी खेल सकते हो। और आप इधर डिटेलिंग देख सकते हो गाइस, वो वाटरफॉल का भी डिटेलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ऑल ATM में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है इस गेम में, और ये ATM का वन ऑफ द बेस्ट गेम है गाइस। तो ब्रेकिंग एक्सेलरेशन अच्छा है, और जब आप मतलब विदाउट लोड का स्पीड और विद लोड का स्पीड डिफरेंट है। जब ये टिपर पर लोड होता है तब इसका स्पीड डिक्रीज होता है गाइस, जो कि एक रियलिस्टिक फीचर है। तो ऑल इसका फिजिक्स तो अच्छा है, आपको कुछ IQ वाला फिजिक्स देखने को मिलता है इसमें। आपको लोड का भी वेट पता चलता है, मतलब लोड का वेट अपने स्पीड मीटर में देखने को मिलता है। तो ऑल चलाने में तो अच्छा है, अगर कुछ और कैमरा एंगल होता तो और भी बढ़िया होता, और इन्हें एटलीस्ट इंटीरियर का कैमरा एंगल देना चाहिए था, तब लोगों को खेलने में और भी मज़ा आता। लेकिन इसका एक्सटीरियर का कैमरा एंगल भी बढ़िया है, आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा चलाने में। मुझे खास करके इसका मड इफेक्ट और अनलोडिंग और लोडिंग इफेक्ट बहुत ही पसंद आया है, और साथ साथ इसका टेक्सचरिंग है बहुत ही बढ़िया, इसका टेक्सचरिंग है। तो ओवरऑल अच्छा है गाइस। तो नीचे कमेंट करें कि आपको ये गेम कैसा लगा, तो मुझे तो बढ़िया लगा। और वो करेंगे कि जल्दी इसका लेटेस्ट वर्जन आए और हम उसी का भी जल्दी से रिव्यू करेंगे। तो होप करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मैं आपसे अगले में मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।